हेलो गाइस गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे नो सर्विस सिलेक्टेड नेटवर्क 4G अनअवेलेबल। तो गाइस यहाँ पर ये इशू कब आता है हमारी जियो के सिम में, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको बताऊँगा कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इस इशू का स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये अभी मेरे मोबाइल में नहीं आ रही है, बट ये मेरे मोबाइल में आई थी और मैंने इसको सॉल्व करा है। और जब भी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी इस इशू को फिक्स कर सकते हैं जो आपको बताता है नो सर्विस सिलेक्टेड नेटवर्क जियो अनअवेलेबल। तो यहाँ पर क्या करना होगा अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपसे इस पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं अपने होम स्क्रीन पर चला गया हूँ। होम स्क्रीन पर जाने के बाद मुझे अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। तो अपने मोबाइल की सेटिंग्स में मैं चला जाता हूँ। गाइस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जाना है। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यहाँ पर आप एरोप्लेन मोड लगा लीजिए, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो नेटवर्क हैं वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10% चांस है कि ये अनअवेलेबल का जो इशू है वो हट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एरोप्लेन मोड लगाएंगे आप तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको मोबाइल के डेटा में जाना होगा यहाँ पर। तो आपको सेटिंग्स थोड़ी हेर फेर मिल सकती है, लोकेशन अलग अलग मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको नेटवर्क ऑपरेटर्स पर जाना होगा। यहाँ पर जाना आपको ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नेटवर्क ऑपरेटर पर। और नेटवर्क ऑपरेटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूज़ ऑटोमेटिकली पर यहाँ पर आपकी थोड़ी सी सर्चिंग होगी, जो नेटवर्क सर्च करते हैं तो इसी के बेसिस पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर अगर अनअवेलेबल कोई नेटवर्क हो जाता है तो आप उसको यहाँ से है उसे अनअवेलेबल अवेलेबल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक नेटवर्क आएगा चूज़ ऑटोमेटिकली पर, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो ये इशू है वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके आने तक का। तो गाइस यहाँ पर हमारा वेट पूरा हो चुका है और यहाँ पर अवेलेबल नेटवर्क भी हैं। और वैसे आप जो है यहाँ पर क्लिक करके रिलायंस जियो पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चूज़ ऑटोमेटिकली पर क्लिक करें, क्योंकि जो हमारे नेटवर्क काम करेंगे एक दूसरे से एक दूसरे के नेटवर्क को पकड़ने में, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नेटवर्क अभी प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पर चूज़ ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका रजिस्टर ऑन नेटवर्क हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल को ऑफ़ कीजिएगा और ऑन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। तो अगर नहीं होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे एक SMS नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं वहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से मुझसे बातचीत करके इस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।